अगर आप ग्रोइंग पोटेंशियल, हाई ग्रोथ पोटेंशियल चीजों को अंडर वैल्यूड दाम पे खरीदते हो ना, दिस इज द बेस्ट डिसीजन टू डू इन स्टॉक मार्केट. यही चीजें, यही निर्णय आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेटर रिटर्न्स देंगे. ऑलराइट, तो ऊपर ही जा रहा है ना, तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बाय? व्हेन थिंग्स फॉल. सिंपल है, जब चीजें गिरती है तब आप उनको नहीं लेंगे तो, और तब आप डरेंगे तो फिर कैसे चलेगा स्टॉक मार्केट में. मैंने प्राइवेट बैंक का ETF यूज किया है जो लगभग 25 रुपए का है. ऑलराइट, आपको स्क्रीन पे वीडियो पे आपको समझ रहा होगा कि कैसे मैंने इसमें 30,000 रुपीज ऐड किए. लाइक दिस हैपेंड ऑन 25th of July. ऑलराइट, इससे पहले भी मैंने ये पोजीशन ऐड करके रखी थी जिसका नेट एडिशन अब लगभग 1.5 लाख रुपए कुछ हो जाता है. आई हैव मोर ऑफ दिस, बट दिस इज अ पब्लिक पोर्टफोलियो जो मैं टेलीग्राम पे फ्री शेयर करता हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इनफैक्ट बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी. क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूँ एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फेवरेट सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. ये भी समझेंगे कि बैंकिंग सेक्टर किस तरह से रेवेन्यू को जनरेट करता है और क्यों इसमें इतना फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है. अब यहाँ ध्यान दीजिए कि बैंक्स एक्चुअली पैसा कैसे कमाते हैं. देखो, बैंक्स के पास रेवेन्यू के या फिर बिजनेस के कुछ अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं. सबसे पहला उसमें से होता है रिटेल बैंकिंग. व्हाट इज रिटेल बैंकिंग? आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल लोग जब बैंक से लोन लेते हैं या फिर कोई चीज फाइनेंस कराते हैं, तो हमेशा जब हम लोन लेते हैं तो बैंक का एक डील होता है, राइट, कि हम इस एसेट के लिए आपको लोन दे रहे हैं और उसके बदले में आप हमको एक्स वाई जेड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट दोगे, राइट. सो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, दिस इज द इनकम फॉर बैंक्स, करेक्ट. सो ये होता है रिटेल बैंकिंग, जब आपके और मेरे जैसे लोग लोन लेते हैं, प्रिंसिपल हम उनसे बोरो करते हैं एंड विद इन गारंटी कि हम आपको इतना इतना एक्सचेंज देंगे और कुछ पीरियड के बाद में आपको प्रिंसिपल लौटा देंगे. दिस इज द सिंपलेस्ट वे. सेकेंड तरीका जिससे बैंक पैसे कमाता है, यह है होलसेल बैंकिंग. व्हाट इज होलसेल बैंकिंग? यहाँ पे बैंक्स कंपनीज को लोन देते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देते हैं अपने ऑपरेशंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए या फिर अपने ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए. कभी कभी ऑपरेशंस होता है, कभी कभी कैपेक्स होता है. कैपेक्स मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स में आ जाता है, राइट. तो ये होते हैं होलसेल लोन्स जो होते हैं या फिर होलसेल लेंडिंग जो होती है. दिस कम्स इन दिस ब्रैकेट. इसमें गवर्नमेंट को भी लोन देते हैं बैंक्स, ठीक है. ऐसा नहीं है कि बैंक्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस को या प्राइवेट कमोडिटीज को या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देंगे, गवर्नमेंट भी लोन लेती है. तो ये सारे जो लोन्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोगों को दिए जाते हैं, ये होता है हमारा होलसेल बैंकिंग. एक और रेवेन्यू का सोर्स है बैंक के पास ट्रेजरीज, ठीक है. सो अपने जो खुद के पास मौजूद जो कैपिटल है उसके थ्रू भी बैंक अच्छे खासे पैसे जनरेट करता है, या फिर उसके डिप्लॉयमेंट को, उसको किस तरफ डाल के हम लोग और पैसे मैनेज किए जा सकते हैं. बेसिकली कंपनी के कैश फ्लोज को, खुद के कंपनी के कैश फ्लोज को मैनेज करके भी बैंक पैसे बना लेता है, ट्रेजरी सेगमेंट में आता है. तो ये तीन तरीके हो गए बैंक के पैसे बनाने के. नेक्स्ट तरीका हो गया इंश्योरेंस से पैसे बनाना. इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, जनरल इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस में बाकी सारी चीजें आती है जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा होती है. लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस होता है. यहाँ पे इंसान प्रीमियम भरते जाता है और उसको क्लेम कब मिलता है? फाइनली व्हेन द लाइफ हैज एंडेड, राइट. सो ऑफकोर्स यही, दिस इज हाउ लाइफ इंश्योरेंस वर्क्स नाउ, राइट. सो आप बेसिकली बैंक को अनकंडीशनली पैसे देते जाओगे विद अ सम अश्योर्ड जो आपके डेथ के बाद में या फिर इंश्योरेंस क्लेम करने के टाइम पे फाइनली आपके जो या फिर मैच्योरिटी पे भी आपके परिवार को या फिर बेनिफिशियरीज को या फिर आपको खुद को उस टाइम पे मिल जाएगा. गॉट इट? सो दिस इज व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इज. ये जो पैसा हम पीरियोडिकली दिए जा रहे हैं बैंक को दिए जा रहे हैं, तो इस पैसे से भी बैंक जो है और पैसे बना सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट करके थ्रू या फिर किसी को सिक्योर्ड लोन दे के. सो ये भी एक तरीका होता है जिससे बैंक पैसे बनाता है इंश्योरेंस सेगमेंट से. देन एक जो लास्ट सेगमेंट होता है वो अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, कोई पेमेंट गेटवे हो गया, राइट. ये हर बैंक का अलग अलग होता है. ऐसा नहीं कि हर बैंक अपना बूम क्रेडिट कार्ड बेच रहा होता है या फिर हर बैंक ही पेमेंट सर्विस या पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है. ये बैंक टू बैंक स्पेसिफिकली डिपेंड करता है, बट दिस इज हाउ जनरली एंटायरली इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर पैसे कैसे बनाता है, ये आपको समझा. ये अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम है. तो ये चीज जो है, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, आप इसमें ये चीज समझिए, रिटेल बैंकिंग का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है जनरली इन टर्म्स ऑफ बैंक, और होलसेल बैंकिंग का भी बहुत सिग्निफिकेंस होता है, राइट. सो ये दोनों बैंकिंग सेक्टर जो है ना, इसका आप अंडरस्टैंडिंग समझो कि इंडिया में किस तरह से ग्रो करने वाला है. अब जैसे UPI का एडिशन आपने और जनधन अकाउंट का एडिशन आपने देखा होगा ना, तो यू वुड हैव ऑब्जर्वड हियर कि काफी सारे लोगों का बैंकिंग पहुंच रही है. नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स आर नाउ इंक्रीजिंग. लोगों को लोन लेने की आदत हो रही है या फिर EMI की आदत हो रही है. सो व्हाट आर दे अल्टीमेटली डूइंग?
दे आर अल्टीमेटली डूइंग सर्विसेज या फिर दे आर अल्टीमेटली गेटिंग इनटू एन एग्रीमेंट जहां पे वो बैंक को किसी ना किसी रूप से पैसा तो दे रहे हैं, कहीं प्रोसेसिंग फीस, कहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, या फिर द बेस्ट सिनेरियो इज इंटरेस्ट पेमेंट के थ्रू, राइट? सो दीज आर ऑल द वेज दैट अ बैंक कैन अर्न. और ये जो स्ट्रीम है, रिटेल बैंकिंग हो गया, होलसेल बैंकिंग होगा, ये समय के साथ बढ़ने ही वाली है. एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको इसमें बताता हूँ. इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज वेरी रोबस्ट. बेसिकली हमारे यहाँ के एनपीएस कंपेरेटिवली बहुत कम है. बैंकिंग सिस्टम आपने देखा होगा, आरबीआई कैसे क्रैकडाउन करता रहता है, आए दिन किसी बैंक को बोल देता है कि ये पॉलिसी चेंज करो, ये तरह की लेंडिंग बंद करो, राइट? सेबी भी इनफैक्ट फाइनेंशियल सिस्टम में काफी सारे एक्शंस लेता रहता है. सो व्हाट डज दिस मीन? द गवर्निंग बॉडी जो बैंक्स को संभाल रहा है, जो बैंक्स के बिजनेस को मॉनिटर या गवर्न कर रहा है ना, वो ईमानदार है. आरबीआई के जैसे पॉलिसीज होती है ना, वो हर बार मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये तो भाई रीजनेबल नहीं है. एवरी टाइम वट एवर डिसीजन दैट आरबीआई टेक्स गोज इन द फेवर ऑफ अस, राइट? कि कोई, या फिर इन द फेवर ऑफ द एंटायर बैंक ऑल्सो इन सम केसेस, कि भाई आप ऐसे बैड लोन्स मत दो, या फिर कोई अनक्वालिफाइड बंदे को ज्यादा लोन्स मत दो. ऐसी नहीं कि कोई भी बंदा आ गया आईफोन के लिए बड़े बड़े लोन मांग रहा है और आप दे रहे हो, राइट? सो परचेसिंग पावर को ध्यान में रख के काम करना, ये सारे गाइडलाइंस है. आरबीआई की ढेर सारी गाइडलाइंस है, इनफैक्ट बैंकिंग वालों को ही पता होगा कि कितने सारे गाइडलाइंस है. बट दीज आर देयर टू प्रोटेक्ट यू एंड मी, यू एज अ बोरोअर एंड एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो. जब आप बोरो करते हो तो भी आप प्रोटेक्टेड रहते हो, और जब आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो भी, अगेन बैंक ने तो अपना काम ईमानदारी से किया होगा. दिस इज व्हाट यू अज्यूम इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? सो फाइनेंशियल सर्विसेज इज ग्रोइंग इन इंडिया. व्हाई? बिकॉज इंडिया का फाइनेंशियल अवेयरनेस इज ऑल्सो ग्रोइंग विद टाइम. एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, आप मेन कोर बिजनेस रिटेल बैंकिंग को भी कंसिडर करोगे ना, आज से काफी साल पहले ये सिनेरियो था कि लोगों को बैंक में पैसे ही नहीं रखना होता था. आज देखो, यूपीआई के थ्रू एवरी स्ट्रीट वेंडर इज ऑल्सो गेटिंग मनी इन देयर बैंक, राइट? सो ऑल दिस विल नाउ एनकरेज the banking system and strengthen our economy. That is why I am super bullish on banking sector. Banking sector is known as the backbone of Indian economy, in fact backbone of any country's economy. अगर आप ये सोचते हो कि इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी, या फिर इनफैक्ट हम टॉप टू में, टॉप थ्री में ऐसे कम्पीट करने के लिए लेवल पे आ जाएंगे ना, सो ये बिना बैंकिंग सिस्टम के नहीं होगा. सो अगर यू आर बुलिश ऑन इंडिया, देन यू हैव टू बी बुलिश ऑन बैंक्स, राइट? क्योंकि बैंक्स आर अगेन द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी. दे आर द वंस हु आर फैसिलिटेटिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल द बिग बिजनेसेस, जो ऑयल में भी काम कर रहे हैं या आईटी में भी काम कर रहे हो. बैंक्स आर इन्वॉल्व्ड एवरीवेयर एंड बैंक्स आर अर्निंग From everywhere. So this is it. कि ये मैंने आपको थोड़ा इंसाइट दिया कि भाई बैंकिंग सेक्टर में क्यों मैं इतना बुलिश हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना तो ये सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है. कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह भी हम थोड़ी देर में एनालिसिस करने वाले हैं. लेट अस नाउ टॉक अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम एज ऑफ टुडे, राइट? अगर आप लोग ने मेरा IDFC फर्स्ट बैंक का वीडियो देखा होगा, सो यू ऑलरेडी नो कि बैंकिंग सिस्टम का वैल्यूएशन कैसे करते हैं. वी यूज प्राइस टू बुक रेशियो. कई लोग क्या करते हैं, PE रेशियो देख के बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस करते हैं. दिस इज नॉट द करेक्ट वे. आपको प्राइस टू बुक रेशियो देखना होता है, राइट? सो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने निफ्टी बैंक इंडेक्स, ये कैसे मिलता है, देखो screener.in खोलो, फ्री है सबके लिए, ठीक है? निफ्टी ऐसे टाइप करो, निफ्टी बैंक, राइट? तो आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक का इंडेक्स दिख जाएगा. व्हाट डज दिस कंस्टिट्यूट, ये भी देख लो, इसके अंदर कौन से बैंक है. ये इंडिया के टॉप 12 बैंक्स है, ठीक है? सो दिस इज अभी फिलहाल जो आप निफ्टी बैंक में देखोगे ना, दिस डेटा इंक्लूड्स ओनली 12 बैंक. हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए समझो, अगर मैं चार्ट्स पे जाऊं, ऑलराइट, वैल्यूएशन एनालिसिस करने के लिए चार्ट पे जाना होता है. जनरली लोग पी रेशियो देखते हैं, तो खैर पी रेशियो भी देख लो कि आपको बैंकिंग सेक्टर का पी रेशियो तो कितना डिस्काउंट पे मिल रहा है, राइट? कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि लास्ट 5 ईयर्स में आज से सस्ता ये बैंकिंग सिस्टम कभी नहीं मिल रहा था आपको, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. बट लेट अस मूव टू द मेन मेट्रिक, प्राइस टू बुक रेशियो. अब आप प्राइस टू बुक रेशियो पे देखिए, हम लोग कैसे जज करते हैं कि कोई चीज सस्ती है या महंगी है. मेडियन लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखना. व्हाट इज मेडियन? जनरली एक बैंक किस प्राइस पे ट्रेड करता है, या जनरली बैंक का प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है, ये होता है एक मेडियन लाइन. अगर उसके नीचे आपको मिल रहा है, मतलब वो अंडरवैल्यूड सेक्टर हो गया. तो आज आपको स्क्रीन पे देख के क्या लग रहा है कि कैसा है बैंकिंग सेक्टर, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज कि बैंकिंग सेक्टर ऑन 5 ईयर टाइम फ्रेम लुक्स अंडरवैल्यूड. इन 3 ईयर टाइम फ्रेम द इंटरेस्टिंग चीज इज कि आज से ज्यादा सस्ता कभी नहीं था. एंटायर बैंकिंग सिस्टम, ये निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूं मैं, ऑलराइट? सो देखो, अब मार्केट का करंट सिनेरियो बहुत बेरिश है, FIIs बेच रहे हैं, कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, ऑल दीज आर वरीसम. ये सारी चीजें आपको ऑफकोर्स थोड़ा स्केप्टिकल बना सकती है कि भाई मार्केट में अब क्या होगा. बट देखो भाई, जब अंडर वैल्यू चीजें नहीं खरीदोगे तो लॉन्ग रन में पैसे कैसे बनाओगे? दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ, कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय. व्हेनेवर अ बैंक, आपको क्या लगता है बैंकिंग सेक्टर अभी खराब हो गई है क्या? आप खुद अपने बैंकिंग सर्विसेज एक्सपीरियंस करके देखो, आपके बैंक ने काम करना बंद कर दिया, या फिर आपके बैंक ने आपको सर्विसेज देना बंद कर दिया, या फिर आपका बैंक अब आपको चीट करने लग गया. नथिंग ऑफ सच काइंड इज हैपनिंग, राइट?
शेयर प्राइस का फंडामेंटल से लॉन्ग रन में रिलेशन होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटीमेंट्स, डिमांड सप्लाई, ऑल दीज थिंग्स विल फैक्टर इन। नाउ आप देखिए, हम लोग फिर से इसी चार्ट पे आते हैं। वन ईयर टाइम फ्रेम पे भी एज यू कैन सी इट इज वेरी गुड, राइट। सो बैंकिंग सेक्टर में वेस्ट नहीं करना इज नॉट एन ऑप्शन एट दिस स्टेज। दैट इज वाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है। दैट इज वाई आई एम एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन बैंकिंग सेक्टर। अब इसमें भी स्पेसिफिकली ना, मैं प्राइवेट बैंक के ऊपर मैं ज्यादा बुलिश हूँ। ऐसे का देखो रीजन नहीं है, बट एक प्राइवेट बैंक का रीजन यही है इनफैक्ट, सॉरी, कि प्राइवेट बैंक का मैनेजमेंट मुझे ज्यादा रोबस्ट लगता है। द वे प्राइवेट बैंक आर मैनेज ना, उन लोग का जैसे SBI का क्या है, बैंकिंग फॉर ऑल मोटिव होता है। हर गांव में भी आपने देखा होगा कि SBI की कोई ब्रांच होती है। व्हाट इज दिस ब्रांच डूइंग, ये वन मैन टू मैन ब्रांच होती है, राइट। सो SBI का केपेक्स तो वहां पे गया, राइट। SBI को वहां जाके ब्रांच डालना पड़ा, काम करना पड़ा। ऑन दी अदर हैंड HDFC बैंक आपको ये सब जगहों पे नहीं दिखेगा, ICICI बैंक आपको नहीं दिखेगा, वो गांव गांव बैंकिंग नहीं करता है। व्हाट आर दे डूइंग इंस्टेड, दे आर डूइंग बैंकिंग इन मेजर सिटीज, टीयर वन टीयर टू सिटीज, या फिर कोई अच्छी इकोनॉमी में जहां के लोगों के पास एक ABB एवरेज बैंक बैलेंस मेंटेन करने का पैसा हो, राइट। कहां SBI बोलता है कि आप गांव में हो, आप कोई भी अपना अकाउंट खुलवा लो, और कहां ICICI बैंक बोलता है कि अगर 10,000 रुपए है तो ही आना, नहीं तो आना ही मत, राइट। सो कस्टमर जो जिस तरह के कस्टमर्स ICICI बैंक या फिर इन जनरल प्राइवेट बैंक के पास होते हैं ना, मैं उनके लिए उस रीजन से यहां पे मैं प्राइवेट बैंक पे ज्यादा बुलिश हूं इन कंपेरिजन विद PSU बैंक। सो निफ्टी बैंक इन जनरल बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया पे मैं बुलिश हूं, उसमें से स्पेसिफिकली आई एम चूजिंग दिस निफ्टी प्राइवेट बैंक। ये भी सेम स्क्रीनर पे आपको ऐसे मिल जाएगा। इसका भी PB रेशियो चेक कर लेते हैं। अगेन एज वी ऑल नो, अंडर वैल्यूड तो है ही, राइट। ऑन लार्जर टाइम फ्रेम ऑल्सो इट इज एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन। सो ये हमने पहली चीज की वैल्यूएशन के बेसिस पे कि कैसे बैंकिंग सेक्टर को क्यों चूज कर रहा हूं मैं, बिकॉज द सेक्टर इटसेल्फ इज अंडर वैल्यूड एंड इट हैज ग्रोथ पोटेंशियल। प्लीज मेक अ नोट, अगर आप ग्रोइंग पोटेंशियल, हाई ग्रोथ पोटेंशियल चीजों को अंडर वैल्यूड दाम पे खरीदते हो ना, दिस इज द बेस्ट डिसीजन टू डू इन स्टॉक मार्केट। यही चीजें, यही निर्णय आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेटर रिटर्न्स देंगे। ऑलराइट, सो दिस इज इट अबाउट द वैल्यूएशन एनालिसिस। लेट अस नाउ मूव टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द बैंकिंग इंडेक्स। अच्छा, बिफोर, अब देखो बैंकिंग सेक्टर पे हमने इतना डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो मैं आपको पूरे ही प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स दिखा जरूर देता हूँ, ठीक है। सो दीज आर ऑल द स्टॉक्स, ये लगभग ये 30 स्टॉक्स हैं, ठीक है। अलग अलग मार्केट कैप है इनका, मार्केट कैप इनका साइज बताता है, राइट। सो आप साइज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सब सबसे छोटा बैंक है, एंड ऑफकोर्स सबसे बड़ा बैंक ICICI, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, IDBI, राइट। सो दिस इज द सीक्वेंस कि कैसे कौन सा बैंक कितना बड़ा है, राइट। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि भाई बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो कोई स्पेसिफिक स्टॉक कैसे चूज करे। बट इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोना इन्वेस्ट इन एनी वन पर्टिकुलर स्टॉक, मैं आपको ETF इन्वेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ, ऑलराइट। बट अगेन वील कम टू दैट, जो लाइव इन्वेस्टिंग का जो स्क्रिप्ट मैंने पहले से लेकर रखा था ना, आई शेयर दैट विद यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ। बट आपको कोई पता होना चाहिए कि भाई कौन से सेक्टर्स या कौन से सॉरी बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में। बेसिकली लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आपको पता होनी चाहिए ना। सो आपके स्क्रीन पर भी मैंने ये लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट करके रखी है, ऑलराइट। इसमें एक जनरल चीज आप देख सकते हो, CMP अपॉन बुक वैल्यू, राइट। CMP मतलब ये बेसिकली प्राइस टू बुक रेशियो ही है, ठीक है। सो प्राइस टू बुक रेशियो में आप लोग एक चीज ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे बैंक है, RBL बैंक, साउथ इंडियन बैंक, DCB बैंक, कर्नाटका बैंक, जो अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे RBL बैंक का केस लेते हैं, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मैं खुद इस बैंक में इन्वेस्टेड नहीं हूं, नाइदर आई एम बुलिश ऑन दिस बैंक, ठीक है। मैं आपको बस एक डेटा दिखा रहा हूं कि डेटा समझते कैसे। व्हाट इज अ बुक वैल्यू, कंपनी का नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटी ले देके, इसको अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बुक वैल्यू में क्या होता है, कंपनी के पास नेट कितने एसेट्स है ये बता दे रहा है बेसिकली वो, राइट। तो 224 रुपए पर शेयर के एसेट है कंपनी के पास में, 224 रुपए पर शेयर के एसेट से बेसिकली, आप ऐसा समझ लो। और पर शेयर का कॉस्ट कितना है आज, 162 रुपीज। मतलब अगर आज आप ये बैंक को खरीदते हो और कल को ये बैंक में कुछ खुदा ना खासा हो जाए तो यू विल गेट 245 रुपीज, अगर ये शेयर डीलिस्ट होता है या फिर शेयर में कोई दिक्कत आती है ना। क्योंकि जब भी कोई बैंक टूटता है या फिर कोई भी स्टॉक निकलता है ना, तो बुक वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टर्स को पैसे वापस किए जाते हैं। दिस इज डेफिनेटली अ बैंक स्टॉक जिसको कंसिडर वैल्यूएशन के बेसिस पे किया जा सकता है। इसके ऊपर भी मुझे लग रहा है अब एक एनालिसिस वीडियो बनाना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इफ यू आर इन्वेस्टेड और इफ यू नीड द एनालिसिस वीडियो ऑन दिस बैंक। लग तो रहा है बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, बट एनीवेज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू शो इज कि देखो आप लोग को प्राइवेट सेक्टर के कौन से बैंक है इसकी लिस्ट दिखा दी, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको क्या चेक करना होता है, प्राइस टू बुक रेशियो, दैट इज द सिंपल आंसर, ठीक है। कभी भी कोई बैंक का नाम या फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का नाम लेता है ना, या फाइनेंशियल कंपनी जो लोन देने वाली कंपनी है, सिंपली जो लोग लोन देकर पैसा कमाते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो चेक किया करो, मीडियन से नीचे है
तो इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जा सकती है। ऑलराइट, लेट अस नाउ मूव टू द टेक्निकल पार्ट, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। सो बिफोर वी गेट इनटू द टेक्निकल पार्ट, अगर आप ये एनालिसिस खुद से करना और सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको अपना 6 चेक एनालिसिस कोर्स रिकमेंड करूंगा। इट हैज एन अमेजिंग स्टूडेंट फीडबैक, जितने भी लोगों ने लिया है आप कमेंट सेक्शन में भी रीड कर सकते हैं उनके फीडबैक कैसे है, राइट, दीज आर ऑल पब्लिक फीडबैक। सो द थिंग इज, इस कोर्स में हम 6 डिफरेंट एनालिसिस करना सीखते हैं। इन 6 एनालिसिस के बेसिस में अगर किसी स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे परचेस करते हैं, अदरवाइज हम उसे रहने देते हैं। अब इसी मेट्रिक के बेसिस पे आपको, अच्छा बाय द वे यू गेट अ स्टूडेंट कम्युनिटी एक्सेस ऑफ दैट ऑल्सो, व्यू एक्सेस मिलता है, लाइव स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट एंड जो लोग ने सिर्फ 6 चेक किया होता है वो लोग इस डाउट्स को देख सकते हैं और भी उसमें सपोर्ट मिलता है बेसिकली, राइट। आई हैव एडेड 1 मोर वीडियो, पहले इसमें 7 वीडियोस थे, आई हैव एडेड अ कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो टू दिस, सो डू चेक इट आउट, राइट। सो इस कोर्स के मैं आपको एक हाईलाइट दिखा देता हूं। देखो, जैसे मैं प्राइवेट इसी सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो इस कम्युनिटी पे व्हेनेवर आई डू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना इंडेक्स के ऊपर, मैं तो वैसे मैं यहां पे प्राइवेट सर्च कर रहा हूं, तो आपको दिखेगा कि मैं प्राइवेट बैंक्स को कैसे ऐड करता हूं, मेरा प्राइवेट बैंक पे क्या व्यू है, नॉट जस्ट माइन, अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस, राइट। सो दीज आर, सो बेसिकली द आइडिया इज कि व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ना, तो एक कलेक्टिव डिसीजन है और एक मल्टीपल लोगों का एनालिसिस जिन्होंने सेम कॉन्सेप्ट समझा है, ये आपको समझता है। यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग टिप्स नहीं दी जाती है, सो प्लीज मेक नोट ऑफ दैट, इट्स एन एजुकेशनल कम्युनिटी। यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद है इस कम्युनिटी में जिन लोग को एक्चुअल स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना आता है, एंड दे हैव ऑल लर्न्ड एंड स्टार्टेड विद 6 चेक ओनली। सो डू कंसिडर कोर्स, वैसे तो एक कोर्स 2500 रुपए का है, बट यूज कीजिए कूपन कोड द डोजी और पाए इंस्टेंट 1000 रुपीज ऑफ। एक लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, सो डू ग्रैब इट नाउ। ऑलराइट, फॉर द फाइनल सेगमेंट, दैट इज द टेक्निकल एनालिसिस, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट होता है। व्हाट आई हैव डन इज, देखो मैंने अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे निफ्टी प्राइवेट बैंक ऐसा सर्च कर लेना है, एंड आई विल गेट द प्राइवेट बैंक इंडेक्स। कहां गया भाई, रुको मैं फिर से कर देता हूं आप लोग के लिए, निफ्टी प्राइवेट, आप ऐसे सर्च करोगे तो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सो मैं इसमें फटाफट सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर देता हूं, एंड देन वी विल डिसाइड कि भाई अभी इन्वेस्टेबल टाइम है या नहीं है, या फिर व्हाट डज, या फिर इस बैंक का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। सो देखो, ये मैंने पहला एक रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे, आई विल कीप ऑन डूइंग दिस, मैं सारे रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क करते जाऊंगा। बेसिकली जहां से भी प्राइस एक रिवर्सल लेता है ना, वहां पे आप बोल सकते हो कि दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस बैंड, राइट। सो देखो, फटाफट बन भी गया, राइट। देखो, इट्स सो सिंपल, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने रेजिस्टेंस बनाया, 2019 से लेके 2024 तक के लेवल्स बन भी गए, राइट। जब तक मैं बोल रहा था तब तक ही मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसमें ये चीज देखिए, ऑलरेडी अपने ऑल टाइम है से प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स कितना गिर चुका है, इट हैज फॉलन 8%, राइट। सो ये इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करता हूँ, मेजर इंडेक्स जब 5-6% गिर जाता है ना, आई स्टार्ट कलेक्टिंग देम, क्योंकि नेचर क्या है इस इंडेक्स का, ये भी आप एक बार देख लो। व्हाट डज दिस इंडेक्स का चार्ट शो यू, इन जनरल प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का चार्ट जो है वो ऊपर ही जा रहा है ना। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बाय, व्हेन थिंग्स फॉल, सिंपल है। जब चीजें गिरती है तब आप उनको नहीं लेंगे तो, और तब आप डरेंगे तो फिर कैसे चलेगा स्टॉक मार्केट में। इट इज कंप्लीटली फाइन अगर आपके लेने के बाद वो और गिरता है, अगले सपोर्ट पे फिर से ले लेना। बट द थिंग इज कि आपको क्या लगता है, प्राइवेट बैंक्स कभी बढ़ने ही नहीं वाले? इफ द आंसर इज नो, देन व्हाट इज अ गुड टाइम टू ऐड देम, व्हेन द स्टॉक इज अंडरवैल्यूड एंड दे आर एट सपोर्ट, राइट। सो प्राइस एक्शन भी यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपको हेल्प कर रहा है, एंड आपका फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस भी हेल्प कर रहा है। So this is a definitely thing to be considered, all right? थोड़ा सा मैं fundamentals के ऊपर मैं और discussion करूंगा, but for now I hope you are getting this कि why is this level such important level for me to consider buying this stock, ठीक है? अब आप मेरे screen पे देखिए, मैं आपको एक recording show कर रहा हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे banking sector को खरीदने के लिए कौन सा instrument use किया है। आप देख सकते हो मैंने private bank का ETF use किया है जो लगभग 25 रुपए का है, all right? आपको स्क्रीन पे वीडियो पे आपको समझ रहा होगा कि कैसे मैंने इसमें 30,000 रुपीज एड किए, लाइक दिस हैपेंड ऑन 25th of July, all right? इससे पहले भी मैंने ये पोजीशन ऐड करके रखी थी जिसका नेट एडिशन अब लगभग 1.5 लाख रुपए कुछ हो जाता है। आई हैव मोर ऑफ दिस, बट दिस इज अ पब्लिक पोर्टफोलियो जो मैं टेलीग्राम पे फ्री शेयर करता हूं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री टेलीग्राम का, राइट। सो वो भी आप चेकआउट जरूर कर लेना। दिस इन्वेस्टमेंट वॉज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, प्लीज यूट्यूब पे वीडियो देख के डायरेक्टली बाइंग सेलिंग मत किया करो, इट इज नॉट अ स्मार्ट मूव। द बेस्ट वे वुड बी कि या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करो या तो खुद सीख जाओ, राइट। आई हैव गिवन यू बोथ दी ऑप्शंस, खुद सीखना कैसे वो भी बता दिया है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आप लोग अपने लोकैलिटी में ढूंढ के जरूर उनकी कंसल्टेशन लिया करो, ठीक है। चलिए, बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो, मैं कुछ ना टॉप बैंक्स जो है, टॉप मार्केट कैप वाइज जो बड़े बड़े बैंक्स है ना, इनके रिजल्ट्स अभी आए हुए तो मैं उनके रिजल्ट्स को भी थोड़ा एनालाइज कर लेता हूं, राइट। एक HDFC बैंक खोलेंगे, ICICI बैंक खोलेंगे, एक्सिस भी खोलेंगे, कोटक भी खोलेंगे, राइट। सो HDFC बैंक में सबसे बढ़िया चीज हम देखेंगे कि भाई उसका रेवेन्यू आज कैसा चल रहा है, आज से ज्यादा कंपनी का इंटरेस्ट कलेक्शन या रेवेन्यू था क्या, या आज से ज्यादा नेट प्रॉफिट था क्या,
नहीं राइट, इट्स अ पॉजिटिव साइन. लेट अस सी आईसीआईसीआई बैंक क्या बोलता है. इसका रिजल्ट अभी आने का है, ओवर द वीकेंड इसका रिजल्ट आएगा. अगेन लेट सी, बट स्टिल आज से ज्यादा पैसा कभी नहीं कमाया बैंक ने, और क्या चाहिए आपको राइट. सो व्हाट डज दिस शो, व्हाट डज दिस शो, भाई बैंक इज डूइंग गुड, द कंपनी इज डूइंग वेरी गुड, दे हैव नो प्रॉब्लम्स इन इंक्रीजिंग एंड जनरेटिंग मोर मनी. द ओनली थिंग इज कि स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट खराब है, इसलिए शेयर प्राइस गिर रहे हैं राइट. आज नहीं कल ये शेयर प्राइस जरूर बढ़ जाएगा, बट आप लोग फिर ये मत सोचना कि भाई जब गिर गया था तो किसी ने बताया नहीं राइट. सो द थिंग इज द बैंक्स आर डूइंग वेरी गुड, देयर रेवेन्यू इज गोइंग अप एट अ वेरी गुड स्पीड, दिस इज गुड इनफ राइट. आप देख रहे हो सेल्स ग्रोथ 21% का है और 3 इयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ 54% का है, दिस इज गुड इनफ राइट. ये फंडामेंटल, इसी को बोलते हैं अच्छे फंडामेंटल्स होना. सो दे आर फंडामेंटली गुड, दे आर अंडरवैल्यूड एंड दे आर नियर टू देयर सपोर्ट. सो अब आप अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे. ऑलराइट, सो दिस इज इट गाइस. बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है IDFC बैंक, जिसका डिटेल एनालिसिस मैंने यहां पे कर रखा हुआ है. डू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.